हाय गाइस, तो अभी इस समय मैं हूँ अपने हॉस्टल में और यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं तपंग, जो कि यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और मैं अपने पूरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो वो सब भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, कि कैसा है जगह, क्या सेफ है या नहीं है, कैसे जाना है। तो मैं सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आप भी जाना चाहें तो वहाँ कैसे जाएंगे और रास्ता कौन सा लेना है, क्या सही रहेगा, वो मैं पहुँच के आपको बताऊँगा। लेट्स गो। तो लगभग 1 घंटे की बाइक राइड के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं और रोड काफ़ी अच्छी थी, नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। और पीछे यहाँ पर एक शॉप है और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ से हम मुड़ेंगे इधर अपने तपंग के लिए। और यहाँ से लगभग शायद 1-2 किलोमीटर का ही रास्ता बचा है। इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपने दोस्तों को। इधर है हमारे साथ अनिकेत भाई कानपुर से, वो है इशाक भाई, अगर आपने देखा है पुराना वीडियो तो पूरी के वीडियो में इशाक भाई आपको मिलेंगे। और ये हमारे साथ शुभम जॉन्टी मित्रा भाई। हेलो भाई, इसका वीडियो का जान तो हम ही है। तो बस यहीं से मुड़ने और हम लोग चल रहे हैं आगे। चलो आगे बढ़ो। और अनिकेत शर्मा आ रहा है व्लॉग में आने में। अनिकेत शर्मा नहीं, अमर शर्मा है। अनिकेत शर्मा आ रहा है। अनिकेत शर्मा आ रहा है। अनिकेत डॉटी। अरे मैं चखना। हेलो हेलो। अरे हाँ ठीक है, चल चलो। बहुत खराब रास्ता है, इसको दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ की रोड है और अगर आ रहे हैं आप लोग तो आपके साथ होना चाहिए एक बढ़िया ड्राइवर, जैसे कि हमारे साथ है शुभम मित्रा। अरे पहाड़ की तरफ चलना है ना, वो किस तरफ? Take the next right, then turn right. और पहुंच गए हम लोग यहाँ तपंग, और यहाँ पर खड़ी कर दिया बाइक और पीछे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये है कुछ नज़ारा भाई, क्या लग रहा है यार, एकदम थाईलैंड वाला पानी जो था ना वो लग रहा है, थरा पानी। और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, ये हम लोग जहाँ पर आए वहाँ से हम लोग नीचे भी उतर सकते हैं। पर इशाक अजीज बहुत पहले भी आ चुका है, तो इशाक हमारे लीडर ले चलो भाई हम लोग को नीचे। भाई ये बड़ा डरावना रास्ता है यार। और यहाँ पर निकेत गिरने के, अरे 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 भाई भाई भाई, भाई लीड में तुम ही हो यार। ओ भाई अभी जहाँ जा रहे हैं हम कैमरा बंद करने और उतर के फिर नीचे ऑन करेंगे। तो भाई इतनी खतरनाक जगह है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना स्टीप है। और अनिकेत भाई एकदम डर रहे हैं, उनकी फट चुकी है। क्या यार, कानपुर का मसाला खा के आ जाओ नीचे। देखते हैं ये हेलमेट क्या इनके पास तक आता है कि नहीं आता है। आवा नहीं के तुम रिकॉर्डिंग हो। पत्ती मत पकड़, पत्ती के साथ नीचे आएगा, देख के देख के। तुम तो निंजा हो, थोड़ी निंजा हो। और तब से हम लोग ये ऊपर से पूरा एकदम कहां से घूमते हुए एकदम नीचे आए हैं, और इधर एक पता चला कि इधर एक और रास्ता है, तो आप लोग इधर से भी आ सकते हो और यहाँ नीचे आके नहाने का भी कुछ सिस्टम है। अनिकेत भाई चल पा रहे हो सही से? अरे नहीं बिल्कुल, कितनी नाजुक कली हो तुम। थैंक यू।
ये भाई साहब फोटो खिंचा रहे हैं, हाथ का टैटू जरूर दिखना चाहिए इनका। ये ना एक बेकार सी हंसी हंसते हुए शुभम जॉन्टी मित्र भाई तुम्हारा में हम, और हाथ में ये टैटू सड़ा सा टैटू। तो अनिकेत भाई पहली बार फोन चला रहे हैं और इशाक भाई बता रहे हैं कैसे क्या करना है। हाँ तो इशाक भाई, हाँ क्या फिशिंग करने का इरादा है क्या? हाँ ये एक मिल गया, हमको सोच रहे हैं कि शुक्ला के लिए मार ही लेते हैं। एक जलपरी बांध दो शुक्ला आ जाएगा। देखो उसको, देखो जल क्या कर रहा है, वो देखिए क्या जो कौन सा पोजीशन है ये, क्या मस्त दिख रहा है भाई। क्या लगी है भाई, कर दो चलो आ जाओ भाई। मैंने तो चप्पल डाल ली यार, इधर कंकड़ पत्थर बहुत है। चप्पल पहन के तुम अंदर जाओगे पानी? नहीं चप्पल यहीं उतारेंगे। पानी साफ कितना है ये, यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है तो संभल के एकदम उतरना होगा। और ये थाईलैंड जैसा नीला नीला पानी जो कि हम दुर्गेश भाई के साथ गए थे थाईलैंड में और उड़ीसा में, यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा पानी भी कभी मिलेगा हम लोग को। और हमारे व्लॉग की जान चौधरी मोहम्मद इशाक अजीज, ऐसा पानी का रंग यार इमेजिन नहीं किया था यहाँ उड़ीसा मिलेगा भाई, पूरा ब्लू ब्लू पानी। हाँ वही एकदम, पता थाईलैंड गए थे एकदम ऐसा ही पानी था उसमें, पूरा ऐसा ही पानी, ऐसे चट्टाने थी बहुत। हम उस दिन आए थे तो हमको वही लग रहा था कि हम शायद फॉरेन आ गए। हाँ कुछ कुछ वैसा ही फील आ रहा है यार, इतनी खूबसूरत जगह को ये लोग सब लोग देखो खराब कर दिए। तो भाई जो यहाँ दारू वारू बॉटल लाया, जो भी कुछ करना है केक कटिंग करना है वो यहाँ से सामान लेके जाओ, यहाँ गंदा ना करो। और बढ़िया नहाने के बाद हम लोग यहाँ पर अब हो रही है पेट पूजा और साथ में ये, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ आए तो यहाँ कूड़ा वूड़ा ना फैलाएं। लेकिन ये मेरा बर्गर खा लिया। कौन बर्गर खा लिया? अनिकेत क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? थैंक यू। और ये अनिकेत बस वीडियो में आने के लिए उसने बोतल पकड़ी है, बाकी वो कुछ पी नहीं रहा है। ये स्पेशली बोला गया मुझे। और ये शाम के बज रहे हैं 5 और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने हॉस्टल। इशाक भाई रेडी हो गए हो? हो रहे हैं बस। और ये प्रेम दिख रहा है अनिकेत और हमारे जॉन्टी भाई का। वैसे यहाँ पर लड़कियाँ भी कुछ कुछ आई हुई हैं तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अनसेफ है जगह। और जो भी कुछ खाया पिया उसको बाहर फेंकना चाहिए, यहाँ कोई ना फेंके क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे कूड़ा फैलने लग गया है। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और ये थी तपांग की छोटी सी वीडियो, और ये काफ़ी सेफ भी है अगर आप आना चाहें, लेकिन ये है कि आप जब रोशनी रहे तभी आप लोग आएँ फैमिली के साथ या लड़कियों के साथ जिसके साथ भी आना चाहें आप। और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उड़ीसा के छोटी छोटी चीज़ें और भी आती रहेगी इस चैनल पर। और सांस फूल गई है, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।